नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सैमसंग के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 5E एरर के बारे में बात करेंगे। ये एरर क्यों आता है और इसका क्या रीजन है और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वीडियो पर पूरा बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा, और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। देखिए, 5E एरर जो आता है उसका जो रीजन है वो बेसिकली जो मशीन में मेंशन किया हुआ है कि उसका जो पानी ड्रम में जो रहता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तभी ये एरर शो करता है। मतलब कि जो इसका ड्रेन का जो पानी निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है तो ये एरर आता है। तो बेसिकली अभी हम हमारे मशीन में देखिए पानी नहीं निकल रहा और जो 5E एरर आ रहा है, तो हम इसको अभी आगे का जो देखे होंगे कैप रहता है उस कैप को खोलकर हम लोग ये पानी को बाहर निकाल रहे हैं मैनुअली। इसको कोशिश करें कि बाथरूम वाले एरिया में ले जाकर मशीन को इस पानी निकालें, ना तो ये पूरे घर में पानी फैल जाएगा। तो इसको कोशिश करिए इस तरह से, जिस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं पानी को, उस तरीके से आप मशीन से पानी निकालने की कोशिश करिए। मगर पानी जो है ऐसे निकालने में गिरने का रिस्क रहता ही है, आपका पूरा पानी फैल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कहीं कचरा कोई जो है ना इसमें जाके जमा तो नहीं हो गया है। अगर कोई कचरा जमा हो जाता है तो मोटर का जो ब्लेड है वो नहीं घूम पाता है सही से अंदर जो देख रहे हैं, वो नहीं घूमने से क्या होगा कि मोटर नहीं चलने के कारण पानी जो है ड्रम में ही रह जाता है और ये एरर शो करता है। पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो इसका कैप खोलने के बाद कोई भी कचरा तो नहीं है, वो फ्रीली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है जो उसका ब्लेड है। उसके बाद एक तरीका और है कि हम लोग अगर उसमें कोई स्ट्रेन जमा रह गया हो और जिसके चलते नहीं चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा एसिड लेकर उसके पॉपुलर आगे वाले ब्लेड के अंदर डालेंगे कि जिससे वो उसके पाइप में अगर कोई कचरा हो या कुछ फंसा हुआ हो तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। तो ये तरीका को हम लोग पहले ट्राई करके देखेंगे, अगर ये तरीका करने के बाद भी हमारा जो मशीन है वो ठीक नहीं होता है तो क्लियर है कि हमारा जो ड्रेन मोटर है वो ख़राब हो गया है, तो हमें अपना ड्रेन मोटर जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक और एक एयर पाइप रहता है ऊपर की तरफ में, उसमें कैप लगा रहता है, उसको खोल कर भी हमने एसिड डाला जिससे कि कहीं पर भी अगर कोई स्ट्रेन जमा है, कोई कचरा जमा है उसमें जाकर पंप में, तो वो निकल जाएगा। तो थोड़ा देर हम लोग इसमें एसिड डालकर थोड़ा देर तक छोड़ देंगे जिससे कि अंदर जो भी कचरा होगा वो उसमें से निकल जाए। उसके बाद जो ड्रम वाला पोर्शन है इसमें भी थोड़ा सा एसिड हम लोग डाल रहे हैं, और इसमें हम लोग जो हमारा डी स्केलर पाउडर होता है उसको भी डालेंगे हम लोग इसमें, जो सैमसंग कंपनी का डी स्केलर आता है उसको भी डालते हैं। देखिए सैमसंग कंपनी का डी स्केलर है पाउडर है, तो इसको भी हम लोग उसमें डाल दे रहे हैं, और एक बार पानी डालकर फिर से चेक करेंगे साफ करके, जहाँ भी अगर कोई कचरा हो या तो ड्रम में हो या फिर हमारे जो आउटलेट वाल्व होता है पानी निकलने वाला उसमें अगर कोई कचरा फंसा हुआ हो तो वो निकल जाएगा और हमारा जो मोटर है वो चलने लगेगा। तो एक बार हम लोग स्पिन में चला के देख लेते हैं जिससे क्या होगा कि पानी इंटेक लेगा और मशीन काफ़ी तेज़ी से चलेगा, तो जो हमारा जो एसिड और जो हमने डी स्केलर पाउडर डाला है वो क्या करेगा कि पूरे ड्रम में फैल जाएगा और जहाँ पर भी अगर कोई कचरा होगा तो वो उसको क्लीन कर लेगा, और काफ़ी तेज़ RPM पर घूमता है स्पिन के समय में, तो देखिएगा कि इसमें पूरा अच्छी तरह से ड्रम की सफाई हो जाएगी और जहाँ पर भी अगर कोई हमारा जाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा ये सब सारे प्रोसेस करने के बाद भी हमारा जो है ड्रेन मोटर जो है नहीं चल रहा है, एरर जो है आ ही रहा है। तो अभी हम लोग इसका जो है ना पीछे वाला जो मशीन को एक साइड से पलट देंगे, और इसमें जो हम अभी दिखा रहे हैं सामने जो दिख रहा है आपको ये इसका ड्रेन मोटर है, ये आपको जो सामने से दिख रहा है जिसमें दो तीन पाइप कनेक्टेड है ये ड्रेन मोटर है अपना, तो इसको हम लोग को रिप्लेस करना है। तो पहले इसको आइए देखते हैं कैसे इसको खोलना है। इसके लिए पहले एक कवर लगा रहता है नीचे प्लास्टिक फाइबर का, तो उसको स्क्रू अनस्क्रू करके हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद ये जो मोटर है देख लेंगे, इसमें दो वायर का कनेक्शन रहता है, ये 220 वोल्ट पर वर्क करता है। और सबसे पहले इसके हम आगे वाले पोर्शन पाएंगे जहाँ पर वो कैप हमने खोला था, वहाँ पर तीन स्क्रूब आपको दिखेगा, इसी स्क्रूब के माउंट पे वो मोटर भरा हुआ है। तो पहले ये तीनों स्क्रूब को हम लोग खोल लेंगे बारी बारी से।
अगर हमें दिक्कत होगा तो ये ब्लैक वाला जो कैप है ना, इसको भी खोल के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कैप में खोलने में, इसको खोलने में दिक्कत कर रहा है, तो ये निकल जाता है इजीली, इसके उसमें लॉक से फंसाया हुआ रहता है, इसको आप इजीली अब बाहर खींच के निकाल सकते हैं। देखिए ये निकल गया, अब स्क्रू खोलने में थोड़ा आसानी हो जाएगा हमें, ये तीनों स्क्रू हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद ये जो मोटर है वो पीछे की तरफ से निकल जाएगा। आपने अगर मेरा 4E एरर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं इसका लिंक डाल लूँगा, आप वहां जाके 4E एरर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। सैमसंग के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 4E एरर आने का जो प्रॉब्लम होता है उसका पूरा टोटल सॉल्यूशन उसमें बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। ये देखिए हमारा जो मोटर है वो वहां से निकल गया है, अब इसका जो पाइप का कनेक्शन है उसको हम लोग क्लिप को लूज करेंगे और इसको पाइप इसमें से निकाल लेंगे। इसमें 3 पाइप का कनेक्शन होता है, एक ऊपर में जो है ड्रम के साथ में कनेक्टेड रहता है, देख सकते हैं ऊपर में। सबके क्लिप को हम लोग प्लायर की सहायता से हटा देंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए 2 वायर लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल, तो इसके प्लग को भी हम लोग निकाल लेंगे सावधानी से। ये आप इधर का उधर भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आप इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 220 AC पावर करता है तो इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है। चलिए अब मैंने तो पंप तो निकाल लिया है, मगर अब इसको हम लोग बाहर 220 वोल्ट देकर चेक करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए हमने इसको डायरेक्टली 220 पर इसको करंट दिया, मगर इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, ये डेड हो चुका है, ये पंप काम नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। ये देखिए हमने एक नया पंप लेके आए हैं, ये पुराना वाला है हमारे पास, और एक हमने नया पंप भी परचेज़ किया, आप सेम मॉडल का अपने लोकल मार्केट में देख सकते हैं कि आपका जो है जो पंप है उसको दिखाकर आप दूसरा पंप मंगा सकते हैं अपने लोकल शॉप में, जो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का सामान बेचते हैं उनसे आप ये मंगा सकते हैं। सभी सेंटर से मंगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो आप बाहर से कोशिश करें कि मंगा ले, जिससे आपको आसानी हो जाए, सस्ता भी पड़ेगा और आप आसानी से अपने से ही चेंज कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई मैकेनिक मंगाने की बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है और आसानी तरीके से ये आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये अब हमने नया वाला जो हमने पंप मंगाया है उसको चेंज उसको लगा रहे, इसमें 3 स्क्रू लगे रहते हैं, उसी माउंट पर ये टिका हुआ रहता है, और ये जो पाइप है पाइप का जो कनेक्शन मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे था जो जिस होल जिसकी जैसे है उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हमें उसे लगा लेना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि वो जो क्लिप हमने हटाया था और क्लिप भी लगा लेना है। क्लिप लगाने से क्या होगा कि वो पाइप लीकेज नहीं होगा कहीं पर भी, तो ये दोनों पाइप हमने लगा दिया, उसके क्लिप को भी प्रॉपरली लगा लेना है, उसके बाद ही हम लोग इसको टाइट करेंगे आसानी से। देखिए मोटर को खोलने का तरीका अलग है, आगे फ्रंट पैनल खोल कर भी आप मोटर लगा सकते हैं, मगर उसमें बहुत ज़्यादा झमेला होता है, क्योंकि पूरा फ्रंट पैनल खोलने में काफ़ी सारे स्क्रू लगे हुए हैं और उसको खोलने में आपको डोर भी खोल के सेपरेट करना पड़ेगा, तो वो बहुत झमेला है। उससे अच्छा कि आप मशीन को एक तरफ पलट दें और बैक पोर्शन से आप इसको खोल के आराम से लगा सकते हैं मोटर को, तो मैंने जैसे लगाया वैसे लगाएंगे तो आपको आसानी होगी लगाने में। ये देखिए अब हमारा जो पंप है वो हमने लगा दिया है, और ये जो बताया था आपको एयर पाइप जो रहता है ये इसको इसके ढक्कन को खोल के हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका कैप को लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा होल होता है तो उसको बाहर से घुसाने में दिक्कत होती है। अब हमारा जो ब्लैक वाला कैप है इसको लगाएंगे, जिसको हमने लॉक खोल कर खोला था, सारे स्क्रू को अच्छे से प्रॉपरली टाइट कर लेना है। टाइट अगर लूज रहेगा तो ये क्या होता है कि मोटर चलता है काफ़ी अच्छा RPM पे, तो ये आवाज़ करेगा, तो इसलिए जो भी स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट कर लेना है।
देख सकते हैं ये जो प्लग बताया था हमने कि दो प्लग रहेगा जिसको 220 वोल्ट का जो करंट उसमें जाता है, ये दोनों प्लग को आप लगा सकते हैं, इसमें किधर का भी किधर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि 220 वोल्ट एसी पर काम करता है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको देख के उस तरह से लगा सकते हैं। चलिए अब हमारा पंप जो लग गया है और मशीन को स्टार्ट करके चेक करते हैं। अभी हमने क्विक वॉश पर मशीन को डाला है और देख रहे हैं कि ये सही से ड्रेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। ऐसे भी हमने मशीन में एसिड और डीस्केल किया था, तो एक बार मशीन को वॉश भी कर लेना है साफ पानी से, क्योंकि उसका कुछ भी अगर थोड़ा सा भी बचा हुआ हो और पार्टिकल्स बचा रहे तो क्या होगा ना कि हम जो कपड़े धोएंगे उसमें उसका कपड़े का कलर डिसकलर होने का रिस्क रहेगा, तो हमें एक बार अच्छे साफ पानी से इसको वॉश कर लेना है। देखिए पानी तो मशीन ले रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है मशीन प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। देखिए 9 मिनट पर चल रहा है, ये ड्रेन भी कर चुका है एक बार, 10 मिनट पर ये ड्रेन कर चुका है काफ़ी अच्छे प्रेशर में, मशीन ओके है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।